हाय 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 हाय। ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المصدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة صلى الله عليه وسلم أعزائي الكرام ہماری گفتگو ان مجلسوں میں شناخت اور معرفت امام کے عنوان پر ہو رہی ہے اور چند باتیں گزشتہ تقاریر میں کی گئی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے قریب قریب ہر امام کے زمانے میں نظر ڈالی ہمیں ہمیشہ ائمہ ایسے لوگوں کے ارد گرد امام کے ایسا مجمع نظر آیا کہ جو اپنے امام کو پہچانتا نہیں تھا یہ کمی ہر دور میں نظر آئی کہ لوگ تو ائمہ کے ارد گرد نظر آئے بھیڑ تو نظر آئی مگر اس میں اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو بے معرفت تھے اور اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے نہیں اور جس کا خمیازہ اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ائمہ تنہا رہ گئے ظالم اور جابر اور فاسق و فاجر اور پست و ذلیل افراد تخت حکومت پر رہے لوگ ان کی جی حضوری کرتے رہے لوگ ان کے ارد گرد رہے اور طیب و طاہر اور پاکیزہ نفوس تنہا رہ گئے یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس معرفت نہیں ہوتی کل کی بحث اس موڑ پہ آ گئی تھی کہ ان اسباب اور ان علل کو تلاشا جائے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان پاتا اور اس کی صحیح شناخت نہیں کر پاتا تو اس کی ایک علت پر گفتگو ہو رہی تھی ایک وجہ پر گفتگو ہو رہی تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ چونکہ پہلا مرحلہ امام کو پہچاننے سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو پہچانے
और गड़बड़ी यहाँ से है, खराबी यहाँ से है, इंसान ने भी खुद अपने आप को नहीं पहचाना। तो जब तक अपने आप को नहीं पहचानेगा, अपनी कदर व कीमत से आगाह नहीं होगा, अपनी कीमत नहीं जानता होगा, उस वक्त कभी यहाँ सर झुकाएगा, कभी वहाँ सर झुकाएगा, कभी इनके हाथों नफ्स को बेचेगा, कभी उनके हाथ नफ्स को बेचेगा। ये सब क्यों होता है? क्योंकि इंसान खुद अपनी कीमत का अंदाज़ा नहीं रखता है। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन की कुछ अहादीस और कुछ जुमलों को आपके सामने नज़र किया था कि इसमें ईमान ने फरमाया है कि हलक इमरुन मन लम यारिफ कदरा, वो इंसान ज़रूर हलाक हो जाएगा कि जो अपनी कीमत नहीं जानता। दूसरी तरफ इमाम ने फरमाया था कि अल आलिम मन अरफा कदरा, आलिम होने के लिए यही काफ़ी है कि इंसान अपनी कीमत जानता। वकफ़ा भी बिल मर ए जहलन अल्लाह यारिफ कदरा, और किसी भी इंसान की जहालत के लिए इतना काफ़ी है कि वो अपनी कीमत से नागा हो। तवज्जो करिएगा, ये इतनी ताकीद बार बार जो की जा रही है वो क्यों है? ताकि इंसान खुद अपने आप को समझे कि इस कायनात की सबसे अजीम तरीन मखलूक कुदरत ने मुझे बनाया है। चुनांचे कुदरत ने जा बजा इंसान का कसीदा पढ़ा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलकत करमन बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्र वल बहर व रज़क़नाहुम मिन अत्तय्यबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़सीला। हम हैं हम कि जिसने इंसान को साहिब करामत, साहिब बुजुर्गी, साहिब मरतबा, साहिब इज़्ज़त बनाया है। वरज़क़नाहुम मिन अत्तय्यबात, ये इतना मोहतरम हमारा बंदा है, इतनी मोहतरम मखलूक है कि वरज़क़नाहुम मिन अत्तय्यबात, हमने इस इंसान के लिए पाकीज़ा रिज़्क़ का इंतज़ाम किया। वहमलनाहुम फिल बर्र वल बहर, और तन्हा ये मखलूक है कि जिसको हमने चलने फिरने के लिए सवारी दी है। जो करें, दुनिया में इंसान के अलावा कोई दूसरी मखलूक नहीं है कि जो अपने लिए सवारी इस्तेमाल करे। कुरान कह रहा है वहमलनाहुम फिल बर्र वल बहर, हमने इंसान को चलने फिरने के लिए दरियाओं में भी सवारी दिया, खुश्की में भी सवारी दिया। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़सीला, और हमने इंसान को अपनी बहुत सारी मखलूक पर फजीलत बख्शी है। यह है वो इंसान की जिसे कुदरत ने खल किया है, लिहाजा ये कीमती गौहर है कि जो इंसान के वजूद के अंदर पाया जाता है। तवज्जो करें, दूसरे मकाम पर अभी इस मौजू को नहीं फैलाना चाह रहा हूँ, चंद बातें जो कल रह गई थी और वादा किया था कि इसकी तकमील करूँगा उसे आपके सामने अर्ज़ करना है। जा बजा मासूमीन ने, जा बजा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इस कबील की गुफ्तगू की है और लोगों को इधर मुतवज्जे किया है। चुनांचे अमीर कायनात ही देख लिए कहते हैं आता जमान का जुर्म सगीर, इंसान तो क्या ये समझता है कि 5 फीट 4 फीट 6 फीट का जिस गोश्त और हड्डियों का एक जिस्म है। वफी का तवा आलमुल अकबर, नहीं, बनाने वाले ने तुझे इतनी हुनरमंदी और खूबसूरती से बनाया है कि बड़ी कायनात को तेरे वजूद के अंदर पोशीदा कर दिया है। यानी इंसान ये नहीं है जो सर से पैर तक से नजर आ रहा है, 4-5 फीट का गोश्त का एक लोथड़ा, जिस्म का एक ढांचा। आमतौर से इंसान जब इंसान को देखता है, अपने आप को देखता है, तो यही समझता है कि हम क्या हैं, ये सर से शुरू हो करके पैर पे ख़त्म हो गए, कुछ हड्डियां हैं, कुछ गोश्त है, कुछ खून है, कुछ दूसरे आज़ा और जवारे उन्हीं के मजमूए का नाम इंसान है। जी नहीं, ये इंसान का जाहिर है। इस सलवात पढ़े मोहम्मद वाले ये इंसान का जाहिर है कि जो इंसान नज़र आ रहा है, मगर बनाने वाले ने इसके अंदर कितनी सलाहियतें रखी हैं, कितनी खसूसियतों का हामिल बनाया है, कितना मोहतरम बनाया है, कितना साहिब इज़्ज़त और साहिब शरफ बनाया है। ये इंसान तब जानेगा कि जब इंसान खुद अपने बारे में तहकीक शुरू कर दे कि वो कौन कौन से जौहर हैं कि जो कुदरत ने मेरे वजूद के अंदर रखे हैं। तवज्जो करिएगा, चुनांचे उलमा का ये बहुत मशहूर फकरा मौजूद है, उरफा का, उलमा का, मुहक्किकीन का, वो ये कहते हैं कि इस कायनात में तकरीबन हर मखलूक पहचान ली गई है सिवाय इंसान के। तवज्जो करिएगा, इस दुनिया में तकरीबन हर मखलूक उसकी खसूसियात, उसकी सलाहियतें पहचानी जा चुकी है सिवाय इंसान के। यानी इस दुनिया में अगर कोई मखलूक ऐसी है जिसे अभी इस दुनिया ने नहीं पहचाना है तो खुद हजरत इंसान है। एक सलवात और पढ़ ले मोहम्मद वाले, और तवज्जो करें। आज मैं आपको एक मोड़, एक मंजिल से गुजारना चाह रहा हूँ, लेकिन आप मेरी जानी मुतवज्जे रहें।
लिहाजा इंसान के लिए बुनियादी मरहला यह है कि वह खुद पहले अपनी मारिफत हासिल करे, अपनी शिनाख्त पैदा करे, अपने आप को पहचाने। तवज्जो करिएगा, जितना खूबसूरत कुदरत ने इसका जाहिर बनाया है उतना ही हसीन और जमील इसका बातिन भी कुदरत ने रखा है। अगर ये इंसान उसे हसीन रह जाने दे, तवज्जो करिएगा, अगर ये इंसान अपने उस बातिन को वैसा ही हसीन बाकी रखे, क्योंकि तो बहस है एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले इंसान सिर्फ जिस्म का नाम नहीं है, इंसान दो चीज़ों का कम अज़ कम नाम है, या बाज़ लोगों के मुताबिक तीन चीज़ों का नाम है, एक जिस्म है, एक नफ्स है, एक रूह है। मगर मैं भी उस फलसफे की बहस में नहीं जाना चाहता, कम अज़ कम इतना हर आदमी जानता है कि एक रूह है और एक जिस्म है। और तवज्जो करिए, शिनाख्त इंसान से सफ़र शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? शिनाख्त इमाम तक, यानी पहले अपनी मारिफत हासिल करे, अपनी कीमत समझ में आएगी, और जब अपनी कीमत समझ में आएगी तो अपने आप को औने पौने नहीं बेचेगा। तवज्जो करे, कल की गुफ्तगू यहीं से मरबूत हो रही है कि अगर अपनी कीमत से आगाह हो जाएगा तो अपने आप को उल्टी सीधी चीज़ों के अवज़ में बेच नहीं देगा। आप बताएं कि एक इंसान अपने नफ्स को किन किन घटिया चीज़ों के अवज़ में बेचता है? कहाँ तक ये इंसान जा सकता है, जबकि इसके लिए खरीदार इतना अजीम मौजूद है, हर वक्त इसके बिकने के लिए दरवाजा खुला है। जब कभी भी तेरा दिल चाहे कि तू अपना सौदा करे, अपने नफ्स को बेचे, तो वही जिसने शबे हिजरत अली का नफ्स खरीदा था, आज तक मोमिनीन के नफ्स को खरीदने को तैयार है। चुनांचे आयत मैंने आपके सामने पढ़ा था कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, कुरान मजीद है, बेअन्न लहुमुल जन्ना, वो परवरदिगार वो है कि जो मोमिनीन से उनके नफ्स उनके माल का सौदा कर रहा है, खरीद रहा है, किस चीज के बदले में? बेअन्न लहुमुल जन्ना, यानी ये नफ्स इतना कीमती है कि जिसके मुकाबले अगर कोई चीज ठहर सकती है तो वह जन्नत। तवज्जो करिएगा, इसके मुकाबले अगर कोई चीज ठहर सकती है तो वो जन्नत है। और इसे मुहकम कर दूं, अमीर कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब सीधे सीधे लफ्ज़ कीमत के साथ इसी बात को कह रहे हैं, अला आगाह हो जाए इंसान, लैसा लिअन्फुसिकुम समनुन इल्लल जन्ना फला तबीउहा इल्ला बिहा। इंसान आगाह हो जा कि तेरे नफ्स की कीमत जन्नत से कम कुछ हो ही नहीं सकती। लैसा लिअन्फुसिकुम, देख रहे हैं जुमलों को, ये खतीब नहजुल बलागा का जुमला है, इसमें एक हर्फ इधर से उधर नहीं हो सकता। लैसा लिअन्फुसिकुम समनुन इल्लल जन्ना, गौर कर कि तेरे नफ्स की कीमत जन्नत से कम कुछ नहीं है। फला तभी उहा इल्ला बिहा, तो देखो खबरदार इससे कम में न बेच देना। बड़े यानी बेचना, शरा यानी खरीदना, वैसे बेचना आप सुबह शाम सुनते रहते हैं, इसी से बना है बयनामा, यानी वो दस्तावेज की जिस पर बेचने की बातें लिखी जाती है, सौदा लिखा जाता है। फला तभी उहा इल्ला बिहा, खबरदार देख इससे कम में अपना सौदा न करना। क्यों? इसलिए कि नफ्स इतना कीमती कुदरत ने तुझे दिया है कि इसकी कीमत जन्नत है। एक जाती हूँ सलवा पढ़े मोहम्मद वाले, एक और सलवा पढ़े मोहम्मद वाले, तवज्जो आप मेरी जानी मुतवज्जे रहे। तो अमीरुल मोमिनीन इंसान को मुतवज्जे कर रहे हैं कि देखो तेरा नफ्स, देख तेरा नफ्स इतना कीमती है कि इसके मुकाबले अगर कोई चीज ठहर सकती है तो वह जन्नत है, लिहाजा कभी भी जन्नत से कम में अपना सौदा न कर लेना। ये क्यों गुफ्तगू शुरू हुई थी? कि इंसान के लिए मारिफत का जो पहला जीना है वो खुद अपनी मारिफत है, कि जब तक अपनी कीमत से आगाह नहीं होगा ये हर चौखट पर सर झुकाता रहेगा, हर मकान और मंजिलत के बदले में बिकता रहेगा। और ये तारीख में हुआ। अब मैंने बहुत से तारीख के गोचे पढ़े, फिर अपने नौजवानों बच्चों के लिए एक बात अर्ज करके तेजी से आगे उधर रहा हूं, और ये इबरत का मकाम है, तवज्जो करिएगा। जिस वक्त करबला में जो फौज थी, देखिए बात ऐसे बढ़ती है, और मैं कितनी कोशिश करूं, मैं इतनी तेज तो पढ़ता नहीं हूं, यहाँ के लोग सब जानते हैं, मगर इतनी तेज पढ़ने के बावजूद घड़ी मुझसे तेज चलती है।
तवज्जो करिए, तो फजाइल के बाद में कुल 15 मिनट रह गए। करबला में जो फौज थी उसमें बड़ा इख्तलाफ है तारीख में, लेकिन मैं इख्तलाफी बात करना नहीं चाह रहा हूँ। कम से कम जो तादाद है वो 30,000 की, तो मखातिब ने लिखा है, हिस्ट्री लिखने वालों ने लिखा है कि कम से कम जो फौज करबला में उमर साहब की थी, इब्ने ज़ियाद ने भेजा था, उसकी सबसे कम तादाद क्या लिखी गई, 30,000। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 1,20,000। अब इसके दरमियान में बहुत से कौल हैं, कोई कहता 70,000, कोई कहता 80,000, कोई 40,000, इससे बहस नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 1,20,000, कम से कम 30,000। मौजू ज़हन में रहे, बात बिल्कुल भी इधर उधर नहीं है, मौजू से अलग नहीं। आप कम मान लें ज़्यादा मान लें, जो रवायत आप चाहें, मैं इस वक्त उसकी तायद नहीं कर रहा हूँ। हालांकि ख़ुद इसका मंतकी हल मौजूद है कि कितनी फ़ौज हो सकती है और कौन सी तादाद दुरुस्त हो सकती है, इस पर बहस मौजूद है उलमा की, तवज्जो करें। मगर जो फ़ौज मौजूद है इसको 3 हिस्सों में उलमा ने बांटा है। देखिए कोई काम छोड़ा नहीं उलमा ने, सिर्फ असहाद हुसैनी या हुसैनी फ़ौज की खसूसियात नहीं लिखी गई हैं तारीख में, उमर साद की फ़ौज की भी खसूसियतें मौजूद हैं। ये अलग बात है कि हमें अपनी पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती, हम क्यों दूसरे की गुफ्तगू करें, मगर यहाँ मुझे एक बात उठानी है, इसके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, तो चुप रहे हैं। वरना जब दकीक नज़र से बारीक बीनी से तारीख पढ़ेंगे तो इस फौज को उमर साद के 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, 3 तबके इसके बनाए गए हैं। 2 तबके वो हैं कि जो खवास के हैं, ये दायरा बड़ा छोटा है। अब मैं सिर्फ उतनी बात करना चाह रहा हूँ कि जो मेरे मौजू की है, वरना ये सब काम की बातें हैं। यानी परसेंटेज 16 से 17 हज़ार अफराद की वो तादाद उलमा ने लिखी है कि जो खवास लोग हैं, जो किसी मकाम के एवज़ में आए थे, जो किसी इनाम के एवज़ में बुलाए गए थे। तवज्जो करिए, तुम्हें ये पोस्ट दी जाएगी जाओ करबला, तुम्हें इतना इनाम दिया जाएगा जाओ करबला। तवज्जो करिएगा, इनकी तादाद बहुत थोड़ी है, बड़ी तादाद तकरीबन 80% उन लोगों की है, किसकी फौज, उमर साहब की फौज। एक लफ्ज़ के लिए आपको यहां तक ला रहा हूं, लिल्ला मेरे साथ रहिएगा। बड़ी तादाद ये जो मजमा है 80%, ये कौन लोग हैं? आप सोच सकते हैं 1,20,000 आदमियों को जो है वो 10-10, 20-20 लाख दिरहम दीनार दिया था उमर साहब ने, सबको गवर्नरी दी थी 1,20,000 आदमियों को। तवज्जो करना, ये लोग कैसे आ गए थे, बहुत तवज्जो करिए। कूफे में एक ऐलान है, हर शख्स के जो अपनी जान बचाना चाहता हो वो आए आकर के। ये वाकया जनाब मुस्लिम की शहादत के बाद, अब जब फौज की भर्ती हो रही है, तवज्जो करिए, हर आदमी के जो अपनी जान बचाना चाहता हो वो आए आकर के हुसैन इब्ने अली और उनके खानदान से इजहार बराअत करे, हाकिम शाम और उसकी ख़ानदान से मोहब्बत और लगावत का इजहार करे और करबला जाए, जा कर के जंग में शरीक हो। खूब तवज्जो करेंगे मेरे नौजवान और बच्चे, कहते हैं भीड़ को भेजता रहा, खबर आती रही कि अब कुछ दिनों के बाद फलां आदमी को 4,000 आदमियों को सरदार बना के भेजेगा, फलां को 6,000 की टुकड़ी देकर के भेजेगा, फलां को 12,000 की टुकड़ी देकर के भेजेगा। उमर साद के जो करबला पहुँच गया था, बहुत तवज्जो करिएगा, मैं आ रहा हूँ घूम करके अपने उसी मौजू पर। ये दरमियान में एक बात आ गई, मैंने कहा तारीख की है, शायद बच्चों के काम आए। उमर साद ने बाकायदा पैगाम भेजा कि ये जो तुम इतनी बड़ी तादाद में करबला लोगों को भेज रहे हो, बहत्तरी तो है, क्या जरूरत है कि इतने लोगों को भेजा जाए? क्यों? इसलिए कि पूरी फौज का कमांडर कौन है करबला में? उमर साद। वो छोटी छोटी टुकड़ियों को लेकर के चाहे जितने लोग आए हो, मगर इन सब का कमांडर कौन है? उमर साद करबला में का, ये बताओ मैं इन्हें खिलाऊंगा कहां से? तो तवज्जो करिएगा, इतना राशन कहां से आएगा? बिलाखिर 2 टाइम खाना चाहिए लोगों को। तो तवज्जो करिएगा का, जब ये खबर पहुंची और ये एतराज उमर साद का पहुंचा, तो उसके बाद उसने काम यह किया उमर साद ने कि कूफे में जितने खजूर की दुकानें थीं सबको हुक्म दिया कि सब अपनी अपनी खजूरें ला करके एक जगह पर ढेर कर दें। पहाड़ बन गया खजूरों। जो लोग करबला भेजे जा रहे थे उन सबको बुलाइए, अवाम 80% अवाम। अभी खवास की गुफ्तगू बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, उन्हें छोड़ देते हैं जिन्हें कुछ इनाम
तय था, कोई मनसब तय था, कोई ओहदा मिलने वाला था, ये 20-15-20% लोग थे, 80% से ज्यादा आवाम है, ये क्या कर रही है करबला में, वो क्यों आई है, वो सुना रहा हूं। का ये सब आए और अपनी सेपर लेकर के आए, ये 80% है कौन, न ट्रेंड है न फौजी है, ये कौन है, ये बकाल है, कूफे मजदूर हैं, मेहनत करने वाले हैं, जफाकश हैं। सबको बुलाया गया, क्यों, जिंदा रहना है तो करबला जाना है, आओ अपनी सिपर लेकर के। अब सिपर दो तरीके की होती है, गोल और एक चौकोर टाइप की सिपर। कितनी बड़ी भी सिपर का आप तसव्वुर कर लीजिए कि सिपर कितनी बड़ी होगी, डाल आओ इस ढेर से सिपर भरो, जितनी खजूरें अट जाएं इन्हें लो अपने साथ और करबला जाओ। 5 दिन बाद जंग हो, 6 दिन रहना पड़े, 3 दिन रुकना पड़े, जितने दिन भी रहना पड़े, समझ लो तुम्हारी गजा यही है। तवज्जो, ये इबरत का सामान है करबला की तारीख, क्योंकि 4 तक फौजें आई हैं और आशूर के दिन जंग होती, यानी 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन, कोई पहले आए कोई बाद में आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं टिकना है। अपनी सिपर में खजूरों को भरो, जितनी खजूर आ जाए इसे ले जाओ, इस एहतियात से इस्तेमाल करो कि वहां कोई खाना खिलाने वाला नहीं है, इसी हुजूर के ऊपर तुम्हें गुजारा करना है। इतनी बड़ी तादाद किस चीज के बदले में आई है, एक सिपर खजूर के बदले। तवज्जो करिएगा, ये इबरत है तारीख में। अब एक जुमला कह रहा हूं अजीजों, ये लोग पलट के जाएंगे करबला से तो क्या मिलने वाला ही नहीं, नाम कुछ नहीं, इन्हें कोई मकान कुछ नहीं, इन्हें क्या मिला, का 5-6 दिन के खाने के लिए एक सिपर खजूर और बाद में जिंदा रहने की इजाजत। तवज्जो करिएगा, का अगर जिंदगी चाहते हो तो करबला जाना है और जा करके हमारी फौज का हिस्सा बनना है। इनमें से अक्सरियत उन लोगों की थी जिन्होंने एक ढेला एक पत्थर नहीं चलाया था करबला की फौज, सिर्फ ये भीड़ का हिस्सा था। तवज्जो करिएगा, सिर्फ इन्होंने तादाद बढ़ाई थी, मगर ये तादाद भी मामूली नहीं थी, अभी मसाइब का गोशा है, मगर दरमियान में अर्ज कर दें, ये वो तादाद थी जिसे देख देख करके ज़ैनब का दिल लरसता था। वापस पलटे हैं, इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय हयाते दुनियावी के, दुनियावी जिंदगी के, और कुछ नहीं मिलने वाला है। इस इन लोगों ने अपने नफ्स को किस चीज के बदले बेचा। कल मैंने एक जुमला कहा था मगर बात रह गई थी, तेजी से गुजरते हुए, कि सबसे बड़ी कीमत उसने लगाई थी जिसने मुल्के रह के बदले में अपने को करबला पहुंचाया था। ये अपने नफ्स को इसने बड़ी, बहुत बड़ी कीमत समझी तो मुल्के रह समझा, वरना इससे नीचे सब रहे, इससे पस्त सब रहे। बहुत से वो हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय जिंदा रहने की इजाजत के। अब अगर यहां तक आपको लाया है तो एक जुमला कह रहा हूं, आयतुल्लाह बहजत मरहूम का फकरा है, वो कहते हैं हम दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि ऐसी जिंदगी गुजारें कि अपनी कोई कीमत पैदा कर सकें, इसलिए नहीं आए हैं कि हर कीमत पे जिंदगी ही गुजारें, ये नहीं आए हैं कि हर कीमत पे जिंदगी गुजारे, इसलिए आए हैं कि ऐसी जिंदगी गुजारे कि जिंदगी की कीमत पे। सलवात पर मोहम्मद वाले, तवज्जो करिएगा। लिहाजा इमाम अली कहते हैं कि आलिम वो है कि जो अपने नफ्स की कीमत जानता है, और जो अपने नफ्स की कीमत नहीं जानता वो यकीनन हलाक हो जाएगा। कल इस मोड़ तक आपको लाया था कि वही परवरदिगार दरवाजा खोले हुए है, जिसे अपने नफ्स का सौदा करना है मैं उसका नफ्स खरीदने के लिए तैयार हूं। किस चीज के बदले में, जन्नत के बदले में। इमाम अली क्या कह रहे थे, नफ्स की कीमत जन्नत से कम कुछ नहीं है, लिहाजा देखो खबरदार इससे कम का सौदा ना करना। अब ये बात मैं अपने मिजाज की है, कहे बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा, बहुत आईना कोई तरीका होना चाहिए कि पता चले कि किसने किसने अपना नफ्स खुदा के हाथ बेचा है, ये मालूम होना चाहिए, सिर्फ वाहवा होना चाहिए। इतनी बहस जो हुई कल से आज तक, ये भी तो पता लगे कि हमारे नफ्स का सौदा हुआ नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा। तो बहुत सारे उसके रास्ते हैं, एक रास्ता मैं जल्दी सर्च की देता हूँ। तरीका ये होता है कि जो चीज बेच दी जाती है उस पर से अख्तियार खत्म हो जाता है। बात है, ईमानदार अगर बेचने वाला है तो, अगर नियत में खोट है तो इनसे भी सौदा करता है, उनसे भी करता है, उनसे भी करता है। एक ही जमीन 10 आदमी के हाथों तो बेचता है, एक ही मकान 2-4 से सौदा कर लेता, होता ही नहीं। लेकिन अगर ईमानदार है, बाजमीर है, तवज्जो करिएगा,
तो तरीका यह है कि जो चीज बेच दी जाती है उस पर से अपना अख्तियार खत्म हो जाता है, जिसने खरीदा है उसका अख्तियार चलेगा। तवज्जो करिए, अगर इसे तलाश करना है हर आदमी, आप ही की बात नहीं, मैं भी इसमें शामिल हूं, जब चाहे अपने नफ्स की हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो नफ्स है कि जो अभी बिका या नहीं बिका। इसका बेहतरीन तरीका यह है देखा जाए कि नफ्स किसकी मर्जी पर चल रहा है, तवज्जो करिए, किसकी मर्जी पर चल रहा है। अगर अपनी मर्जी पे चल रहा है यानी अभी हमारा है, और अगर खुदा की मर्जी पे चल रहा है तो ये बिक चुका है। नहीं नहीं, क्यों कह रहा हूं, दलील यह है कि अगर वाकई इंसान ईमानदार है तो दूसरे की चीज को एक लम्हे के लिए भी अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करता। नहीं, अगर ये मजमा इस जुमले को नहीं दर कर सका तो शायद अभी तक की गुफ्तगू मेरी बेकार चली जाए। अगर इंसान बाहया है, बाजमीर है, ईमानदार है, तवज्जो करिएगा, तो किसी दूसरे के माल को एक लम्हे के लिए भी अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल नहीं करता। जी नहीं, जिसने बेच दिया तो अब उसकी मर्जी चलेगी, अपनी ख्वाहिश कुछ नहीं। आप अगर न समझे तो कब समझेंगे कि इतने बड़े पहलवान को जेर करके सीने से उतर क्यों आए। यही कह रहे, नहीं नहीं, उसने थूक दिया था, कब फिर तो कत्ल करना चाहिए था, कब मैंने ये पसंद नहीं किया, जो काम उसके लिए हो रहा है उसमें अपना मर्ज पर मोहम्मद वाले मोहम्मद क्यों, जिसने नफ्स बेच दिया है, अब कोई एक हरकत इस नफ्स के लिए नहीं हो सकती, अपने लिए नहीं हो सकती। क्यों, इसलिए कि उसने गुस्ताखी की है। का यादी, फिर तो जल्दी कत्ल करना चाहिए था। का नहीं नहीं, मैंने चाहिए कि नस शामिल हो जाए, जिसके लिए काम कर रहा हूं ये काम खालिस उसी के लिए रहे। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, तवज्जो करें। तो मैं जल्दी से आपको गुजार ले जाऊं, तकरीबन खत्म के करीब पहुंच गया। मैं फजाइल के बाद में एक सलवात और पढ़ दे, मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बेहतरीन आईना है, सुबह शाम इसे आप तय कर लें। अभी रात में जब बिस्तर पर जाएंगे, चंद घंटों की इस्तराहत के बाद 4:00 पर एक आवाज फिजा में गूंजेगी, हैया अला सलाह, हैया अला फलाह, हैया अला खैर अमल। आओ, वही मौका है तय करने का, बिल्कुल फैसले का वक्त है। खूब अच्छी तरीके से हर आदमी अपना अंदाजा लगा सकता है, अगर ये नफ्स इसके बावजूद बिस्तर पे रह जाए यानी मेरा है, और अगर बिस्तर छोड़ के मुसल्ले पे आ गया यानी ये नफ्स बिक चुका। तो सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, तवज्जो करिएगा। तो परवरदिगार मोमिनीन के नफ्सों का भी खरीदार है, मगर ये नफ्स अभी इतना कीमती नहीं है कि ये तन्हा बिक जाए। ये नुक्ता कल अर्ज किया था, लिहाजा इसके साथ माल को लगाया गया। कब ऐसा होता है, नफ्स पाकीजा हो। दो चीजें हैं इंसान का वजूद, दो चीजों का मजमुआ, एक जिस्म एक रूह। बहुत खास तवज्जो चाहता हूं अपने नौजवान भाइयों और बच्चों से। कुछ अफआल वो हैं कि जो इंसान के जिस्म का हिस्सा, कुछ अफआल कुछ चीज़ें वो हैं कि जो इंसान की रूह का हिस्सा है। और चूंकि अक्सर हमारे भाई बुजुर्ग तो बहरहाल जानते हैं और छोटे भाई इस फ़र्क और इम्तियाज़ को नहीं जानते, अंबिया को क्यों भेजा अल्लाह, नबियों को क्यों भेजा गया, अब उसकी बहुत सारी बातें हैं कि जो कुरान में हदीस में बहुत से अलग अलग अल्फाज में बयान हुई, मगर कुल को मिला के पैगंबर का कौल नकल कर दे, बुइथ तो ले उतिम मकारम अल अखलाक, यानी अंबिया आए थे अखलाक का दर्स पढ़ाने, सबक पढ़ाने, पैगंबर क्यों आए हैं, इस अखलाक को उसकी आखिरी मंजिल तक पहुँचा। कुरान कह रहे बुइथ तो ले उतिम मकारम अल अखलाक, मैं तमाम कर दूँ मकारम अखलाक को, टॉप पे पहुँचा दूँ, इख्तिताम पर पहुँचा दूँ, ये काम मेरा है, मैं इसलिए भेजा गया हूँ। तवज्जो करिए, शायद
ये एक तोहफा आपको दे रहा हूं अगर आप मेरे जानिब हों। अखलाक किस चीज को कहते हैं? झुक के सलाम करने को, जो जितना झुक जाए उतना अखलाक मन। ये कोई आ जाए बुजुर्ग तो उसे देख के अपनी जगह से खड़े हो जाए, ये सब अखलाक है हमारे, यही अखलाक है। बगैर कुछ खिलाए पिलाए अपने घर से आने नहीं देते, बड़े बड़ा अखलाक है। ये सारी चीज़ें जो अखलाक बन जाती हैं। एक चीज़ और है दीन में, तवज्जो करिएगा, उसका नाम है अदब। अदब और एक चीज़ है अखलाक, ये दोनों एक है या अलग अलग? अलग अलग है। तवज्जो करिएगा, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, उससे मोतबर उससे भारी भरकम हवाला नहीं हो सकता। साहिब तफसीर अलमीज़ान अल्लामा तबाई अलैहि रहमा, अभी तक इससे उम्दा इससे भारी भरकम कोई तफसीर कुरान की लिखी नहीं गई। तफसीर अलमीज़ान, तवज्जो करिएगा, उसमें आगाने से बयान फरमाया बखर ने, कहते नहीं लोग समझे नहीं, अदब वो है कि जिसका ताल्लुक इंसान के बदन से है, अखलाक वो है कि जिसका ताल्लुक इंसान की रूह से है। किस मोड़ पे आके फंसता हूँ, तवज्जो करें। आदाब उन्हें कहते हैं कि जिसका रिश्ता इंसान के बदन से है, सिर्फ सलामुन अलैकुम कहेगा या यूं कहेगा या यूं कहेगा, ये जो हरकत है ये अदब है, तवज्जो करिएगा। किसी को देख करके खड़ा हो गया अपनी जगह से, ये जिस्म का मामला है, ये अदब है, अखलाक नहीं, तवज्जो करेंगे, ये अखलाक नहीं है। क्यों? इसलिए कि इन सारी हरकतों का ताल्लुक जिस्म से है, रूह से नहीं है। रूह की अपनी अलग अलग खसूसियतें हैं, हमने उल्टा कर दिया है। रूह की खसूसियात को हमने जिस्म का समझ लिया और जिस्म की खसूसियात को रूह का समझ लिया। शुजात बहादुरी ये जिस्म का हिस्सा है या रूह का? देखिए दो राय बट गई, कुछ कहते हैं जिस्म का कुछ रूह। जी नहीं, शुजात जिस्म से ताल्लुक नहीं रखती, ये अखलाकी सिफत है, ये रूह का हिस्सा है, तवज्जो करिएगा, ये रूह का हिस्सा है। फयाजी जिस्म का हिस्सा है या रूह का? रूह का। ईसार और कुर्बानी ये जिस्म का हिस्सा है या रूह का? ये रूहानी है, तवज्जो करें। इस सबको तो मान लें आप, शुजात को नहीं मान रहे, लिहाजा इस पर लूंगा एक मिनट आपका। शुजात हम ये समझे जितना लहीम शहीम है जिस्म, जितना मजबूत है, जी नहीं, ये मजबूत जिस्म का हो सकता है, जरूरी नहीं शुजा हो। चुनांचे तारीख ने इसे लिखा कि ऐसे ऐसे लहीम शहीम थे मगर बुजदिल थे, वो ना शुजात नहीं थे उनके पास। और ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जो बज़ाहिर जिस्म के एतबार से कोई बहुत ज्यादा लहीम शहीम नहीं थे मगर शुजात है। तो शुजात का ताल्लुक इंसान के नफसानी कमाल में है, जिस्मानी कमाल में नहीं है। तवज्जो करिए, जितनी चीजें इंसान के जिस्म से मरबूत हैं वो अदब कही जाएंगी, जितनी चीजें इंसान के रूह से मरबूत हैं वो अखलाक कही जाएंगी। अब एक जुमला और कह दे रहा हूं, इस पर बहस चलेगी कुछ देर। खाना जो है वो चम्मच से खाया जाए या हाथ से खाया जाए, ये अखलाक में नहीं आदाब में। जो बात अर्ज करनी वो अब सुने। वो कहते हैं कि अखलाक और अदब में फर्क ये है कि आदाब जमाने के बदलने के साथ बदल सकते हैं, अखलाक जमाने के बदलने से बदलता नहीं। आदाब जगह बदलने से बदल सकते हैं, अखलाक जगह बदलने से बदल नहीं सकता। तवज्जो करिए, हो सकता है आज से 100 साल पहले कोई चीज अदब का हिस्सा रही हो, आज मायूब हो। आज आप अमल करेंगे तो आप गैर मुअद्दब कहे जाएंगे। हो सकता है कोई तरीका हिंदुस्तान में अदब का हिस्सा है, ईरान में ना हो, ये काम आप वहां करेंगे गैर मुअद्दब कहे जाएंगे। जगह बदलने से अदब बदल जाता है, जमाना बदलने से अदब बदल जाता है, मगर अखलाक यानी नफसानी क्वालिटीज न जमाने के बदलने से बदलती है, तवज्जो करिएगा, और ना वक्त के बदलने से बदलती है, न जगह के बदलने से बदलती है। क्यों? इसी मिशन के तहत तो अंबिया आए हैं, इसी मिशन के तहत तो पैगंबर आए हैं कि हम लोगों को नफसानी कमालात की इंतहा तक पहुंचा दें। इसी को कहते हैं खुल्क, इसी को कहते हैं अखलाक। कुछ ऐसे बेचारे थे कि जिन्होंने पैगंबर के जिस्मानी हरकतों से अपनी हरकतों को मिलता देख के पैगंबर को अपने जैसा कह दिया,
जबकि वो जिस्म की हरकतें थी जो मिल रही थी, वो तवज्जो करिए, इसके लिए यहां तक नहीं लाया था, ये तो गुजरते में एक जुमला कह दिया। वो ये समझे कि जैसे ये उठते हैं वैसे हम उठते हैं, जैसे ये बैठते हैं वैसे हम बैठते हैं, जैसे ये चलते हैं वैसे हम चलते हैं, जैसे ये खाते पीते हैं वैसे हम खाते पीते हैं, लिहाजा ये हम जैसे। जबकि ये जितनी हरकतें हैं ये हिस्सा है बदन का, इसे आप आदाब कह सकते हैं, अखलाक नहीं। तवज्जो करिएगा, पैगंबर आदाब के लिए नहीं आए हैं, पैगंबर आए हैं अखलाक के लिए। अब मैं जुमला कहूँ, 1,24,000 पैगंबरों में से पैगंबर को निकालें तो एक कम 1,24,000 पैगंबर ये सब खल काहे से हुए? पैगंबर की पेशानी पर उभरे हुए पसीने के कतरे से, आदम से लेके ईसा तक। ईमानदारी से बताइए, किसी नबी को ये कहने का हक है कि मैं पैगंबर जैसा? तवज्जो करिए, किसी नबी को ये कहने का हक है कि मैं नबी जैसा? नहीं नहीं, मैं इस गुफ्तगू को और खोलूं, आदम नहीं कह सकते मैं नबी जैसा, मूसा नहीं कह सकते मैं नबी जैसा, ईसा नहीं कह सकते मैं नबी जैसा, इब्राहिम नहीं कह सकते मैं नबी जैसा। तवज्जो करिए, किसी नबी को यह हक नहीं है कि वो कह दे कि मैं नबी जैसा। और तवज्जो करिएगा, बड़ी मेहनत से आपको यहां तक लाया हूं, तो अब तलाश किया जाए, क्या कायनात में कोई ऐसा है जो कह सकता हो कि मैं नबी जैसा? तवज्जो करिएगा, कोई ऐसा है जो कह सकता हो? कहा नहीं उसने, मगर कह सकता है या नहीं? का वो इतना मुअद्दब, इतना बाअख्लाक, इतना तहजीब याफ्ता था कि उसने खुद तो नहीं कहा, हाँ उसके जमाने के इमाम ने जरूर गवाही दी। तवज्जो करिएगा, और वो गवाही क्या थी? मैदाने करबला में हाथों को बुलंद करके कह रहा है, अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाई कौम कद बरदा इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खलकन व खुलकन व मंतकन बिरसूलिक। ए परवरदगार, गवाह रहना, अब मैं उसे भेज रहा हूं जो जिस्मानी एतबार से यानी खल्क के एतबार से, खुलकन यानी नफ्स के एतबार से, मंतकन यानी गुफ्तगू के एतबार से, अशबहुन नास बे रसूलिक, तेरे पैगंबर से सबसे ज्यादा मुशाबे था। जब भी मेरा दिल चाहता था कि तेरे नबी की ज़ियारत करूं, मैं अपने इस जवान को देखता था। यह किसी खतीब की खिताबत नहीं, यह किसी शायर की शायरी नहीं, यह किसी बोलने वाले की मुबालगा आराई नहीं। इमाम वक्त कह रहा है कि यह वो जा रहा है जो जिस्मानी एतबार से भी पैगंबर जैसा, रूह के एतबार से भी पैगंबर जैसा, गुफ्तगू के अंदाज में भी पैगंबर जैसा। यानी मैं जुमला कह सकता हूँ, जो दावा पैगंबर के अलावा एक कम 1,24,000 पैगंबर नहीं कर सकते, वो दावा अली अकबर कर सकते हैं कि मैं पैगंबर जैसा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो करिएगा, शायद बात वादे नहीं हुई लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। ये हुसैन इब्ने अली के अल्फाज हैं जो तमाम मकातिल ने लिखे हैं, खलकन यानी खिलकत के एतबार से। यानी आप ये ना समझे कि अली अकबर सिर्फ जिस्मानी एतबार से, खिलकत के एतबार से पैगंबर जैसे थे, जी नहीं। खलकन व खुलकन, फौरन खुल्क, रूहानी गुफ्तगू, रूह पैगंबर की रूह जैसी, खलकन जिस्म पैगंबर के जिस्म जैसा, मंतकन ये पूरी बहस है, मंतकन नुत का तरीका, गुफ्तगू का सलीका, ये पैगंबर जैसा। इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा शबीह कोई था तो मेरा ये जवान था, अब मैं उसे भेज रहा हूं। किसे गवाह बना रहे हुसैन? अपने परवरदिगार, मेरे मालिक, ऐसी कुर्बानी अब तेरी बारगाह में जा रही है। जल्दी जल्दी अर्ज करूं, ये वो कुर्बानी है हर शहीद को इजाजत देने के बाद हुसैन इब्ने अली अपनी जगह पर वापस बैठ गए। फिर जब उसने आवाज दी तो हुसैन गए। तन्हा ये एक ऐसा शहीद है जिसे हुसैन ने रुख्सत तो किया मगर खुद अपनी जगह बैठ नहीं पाए। चुनांचे जवान हुसैन का बाप से इजाजत लेने के बाद मक्तल की जानिब चला। किस अंदाज से अली अकबर चले? घोड़े पे सवार, तेजी से, जोश के साथ। और कुछ देर के बाद कानों में ऐसी आवाज आई जैसे कोई गिरा। निजाम हाय फर्ज को रोका, खींचा,
घोड़ा रुका, पलट के पीछे देखा, अच्छा मंजर है, बूढ़ा बाप जमीन से गर्दे करबला झाड़ रहे हैं उसे। अभी अकबर घोड़े से नीचे कूद आए, करीब आके कहते हैं बाबा आपने रुख्सत कर दिया था बाबा, और जब रुख्सत कर दिया था तो फिर पीछे क्यों आ रहे हैं। इमाम क्या जवाब दें, एक फकरा कहते हैं मेरे लाल काश तुम साहिब औलाद होते तो मुझसे ये सवाल न पूछते। अली अकबर कहते हैं बाबा नहीं ऐसे नहीं, मैं कैसे मक्तल में जा पाऊंगा, आप वापस पलट जाएं। जनाबे इमाम हुसैन कहते मेरे लाल जाओ ठीक है, मगर एक शर्त है, और शर्त ये है कि जब तक सामना पड़ता रहे मुड़ मुड़ के अपनी चांद से सूरत मुझे दिखाते रहो। खुदा सबके जवानों को सलामत रखे, परवरदिगार सबके जवानों को तरक्की और कमाल अता करे। एक रवायत पढ़ना चाह रहा हूँ इमाम सादिक की। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और आने के बाद उसने एक सवाल किया, मौला ये बताइए अल्लाह ने इस दुनिया में बड़ी लजीज और जायकेदार चीज़ें और नेमतें पैदा की हैं, हम सब तो नहीं चख सकते, सब तक तो नहीं पहुँच सकते, आप बताइए इस दुनिया में सबसे लजीज और टेस्टी कौन सी नेमत है जो अल्लाह ने खल्क की है। सुनेंगे जवाब, इमाम फरमाते अल वलदु शाब, जवान बेटा। एक बूढ़ा बाप अब जब अपने जवान पे नजर डालता है तो दिल में जो सुकून पैदा होता है ये दुनिया की किसी नेमत में ये लज्जत नहीं है। उसने फौरन पलट के सवाल किया, कहता है ये मौला ये बताइए दुनिया में सबसे कड़वी चीज कुदरत ने क्या पैदा की है। इमाम फरमाते हैं उसी जवान की मौत। अगर बुढ़ापे में वही जवान इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो इस दुनिया में इससे ज्यादा तल्ख चीज कुदरत ने कोई नहीं पैदा की। हुसैन कहते मेरे लाल जब तक सामना पड़ता रहे तब तक मुड़ मुड़ के अपनी सूरत मुझे दिखाते रहो। अली अकबर किस तरीके से मक्तल में आए मुझे नहीं मालूम, 3 दिन का भूखा बेटा, 3 दिन का प्यासा हुसैन का जवान, इसके बावजूद ऐसी जंगी की 120 लोगों को कत्ल किया है जनाबे अली अकबर ने, और अब जब वापस आए हैं तो जख्मों से छूर भी हैं, पसीने पसीने हैं, खून बह रहा है। आकर के बाप से कहते हैं बाबा अल्लाह आतशो कद कतलनी, प्यास मारे डाल रही है, अगर कहीं से जरा सा पानी की सबील होती तो मैं इन लोगों को बताता कि अली का पोता कैसे जंग लड़ता है। ईमान क्या जवाब दे दी दो, तारीख कहती है कि हुसैन ने सर झुकाया, कहते मेरे लाल ला अपनी जबान मेरे दहन में डाल दे। दीदो गजब हो गया, अली अकबर ने अपनी जबान दहने हुसैन में डाली मगर फौरन वापस खींच ली, कहते बाबा आपकी जबान में कांटे पड़े हैं। खत्म कर देता मैं गुफ्तगू, बहुत सी बातों को मैंने छोड़ दिया, दे दो मैं 2 फिक्रे और मैं इसको तमाम कर रहा हूँ। कहते हैं मेरे लाल देख अब वक्त आखिर है, तुझे तेरे जद हौज़े कौसर पे सैराब करेंगे। अंगूठी उतारी जवान के दहन में रखी, जाओ खुदा हाफिज़ो नासिर। जनाबे अली अकबर दोबारा सवार हुए, आए मक्तल में, जंग कर रहे हैं, इधर हुसैन बेचैन है, हुसैन बेचैन है, ऐसा लगता है किसी आवाज़ के मुंतजिर है या कोई खटका है। क्या अचानक फिजा में एक आवाज गूंजी, या बताओ अलैकुन्ना मिन सलाम, ए बाबा आप पर हमारा आखिरी सलाम। हुसैन चले नहीं, चल नहीं पाए, चले मगर चल नहीं पाए। मक्तल कहता है कि जगह जगह गिरते थे, जगह जगह उठते थे, क्यों? इसलिए कि आंखों से बीनाई चली गई, अब हुसैन को कोई नजर नहीं आता है। आवाज दे रहे मेरे लाल, अरे मुझे आवाज दो ताकि तेरी आवाज के सहारे तेरा बाप पहुंचे। शहादत न पढ़ सकूंगा क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, कुछ वसीयतें कुछ गुफ्तगू। उसके बाद इमाम ने बर्छी का फल निकाला, अली अकबर ने दम तोड़ा है, जवान के लाशे को खैमे में लाना है। इमाम ने बहुत कोशिश की कि अली अकबर का लाशा खैमे में ले चले मगर जब उठ न सका तो खैमे की तरफ मुड़े, कहते बच्चों आओ आओ हुसैन की मदद करो, आओ इस बूढ़े इमाम की मदद करो। नन्हे नन्हे बच्चे आए, किसी ने हाथों को पकड़ा, किसी ने पैरों को पकड़ा, किसी ने गर्दन के नीचे हाथ लगाया, किसी ने कमर के नीचे हाथ लगाया। जनाबे अली अकबर खैमे में आया है, बीवियों ने मातम किया है, बस ही मोड़ तक लाया हूँ अजीज़ो मजलिस तमाम। कहते हैं कि कुछ देर तक मातम के बाद बीवियों ने फिर ये देखा कि सब तो हैं लैला नहीं है,
लैला नजर नहीं आती। जनाब ज़ैनब ने तलाश करना शुरू किया। अजीब मंजर है दीदो, मक्कल कहता है कि जनाब ज़ैनब जब खैमों से गुजरते हुए खैमे में आई तो एक मंजर देखा। क्या है मंजर? जनाब लैला उस खैमे में चारों तरफ फिर रही है। ज़ैनब करीब पहुंची, बाजू को पकड़ा। भाभी यहाँ क्या कर रही है? क्या अपने जवान से मिलने में चलेंगी? हाथों को जोड़ दिया। शहजादी मैं समझ गई कि मेरा बेटा आया है, मगर मैं कब से खैमे से निकलने का रास्ता ढूंढ रही हूँ, मुझे रास्ता नजर नहीं आता। जरा इतना कर्म करे मुझे मेरे जवान तक पहुँचाए। ज़ैनब ने हाथों को थामा, लाश अली अकबर पे पहुँचाया। ए बेटा, क्या इसी दिन के लिए इस माँ ने तुझे पाला था? ए अली अकबर, ये बताओ कितनी बार मरीजों को शफा जो अफरा जो भी मालिक वक्त मकरीब है, फर्श अज़ा है, आँखों में अशक है, कदर से यह बेहतरीन कबूलियत का वक्त है। परवरदिगार हम सबको ऐसा बनाए जैसा हमारे ज़माने का इनाम चाहता है। कि हम अपने इमाम की नुसरत कर सकें, हमें ऐसा बना है कि हमारा इमाम हमें अपने लश्कर का सिपाही बना दे। परवरदिगार हमारे इमाम के हम सबको